ఈ రోజు ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ హైదరాబాద్ వద్ద జరిగిన వికలాంగుల ధర్నాలో తెలంగాణ వికలాంగుల వెల్ఫేర్ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సయ్యద్ అఫ్రోజ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ తెలంగాణ వచ్చినాక ఒక కొత్త పెన్షన్ కూడా మంజూరు కాలేదని కనుక గతిలేక ధర్నా నిర్వహించాల్సి వస్తుందని అన్నారు. వికలాంగుల సంక్షేమం పట్ల ఒక ఎత్తైన చిత్తశుద్ధి ముఖ్యమంత్రికి కలగాలని ధర్నా నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. వికలాంగులకు 5% రిజర్వేషన్ డబల్ బెడ్రూమ్లో ఇవ్వాలని మరియు మెట్రో ఫ్రీ పాసెస్ కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ని వేడుకున్నారు. డబల్ బెడ్రూమ్ సెన్షన్ కరో, పెన్షన్ సెన్షన్ కరో. దూసరి బాత్ मकान 35 साल से किराए से रह रहे हैं साहब, आप मेहरबानी करके डबल बेडरूम मंजूर कीजिए. मेरा नाम शेख अमरुद्दीन है, मैं हैंडीकैप हूँ दोनों पैरों का और मेरे कोई कारोबार रोजी रोटी नहीं है. मेरे को 5 बच्चियाँ हैं, घर किराए का है, घर के हमारे बीवी साहब जो है घरों के काम पे जाते हैं, खाने खाने की मोहताजगी चल रही, हर चीज़ की परेशानी का सामना करना पड़ रहा, दवा डोरी पैसे से प्रॉब्लम है, हर चीज़ की परेशानी है. डबल बेडरूम के लिए किराया देते देते परेशान हो गया. हमारे केसीआर साहब जो है सो घर देते 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 बोल के अभी तक नहीं दिए. कितने के सालों से मैं डाल डाल के थक गया, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला. मेरे को बहुत परेशान हूँ साहब मैं, हमारे जितने भी हैंडीकैप लोग हैं सारे चीज़ों से परेशान, मुसीबतों से गुजर रहे हैं. कहाँ रहते आप? मैं हसनगर से रहता हूँ साहब. आपका नाम, पूरा नाम बोलिए. मेरा नाम मोहम्मद शेख अमरुद्दीन है, रांजना नगर मंडल हसन नगर, वार्ड 58. खदीर है, मैं मेरे को बहुत खाने पीने को बहुत है, जो मैं किराए से घर है मेरे को, दो घर ना है मेरे को, परेशानी हो रही है. मेरे को कोई कमी नहीं, कुछ भी नहीं है, और पेंशन भी जरूरत है मेरे को भाई, बहुत कमी की जरूरत. इधर आइए साहब, जरूरत है बहुत. इससे पहले भी कार्रवाई करा था, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं दिए उन्होंने साहब. अगर आप करना चाह रहा हूँ मैं, अगर दे दिए तो बहुत भर पाया, बहुत भरी. इनके लिए कुछ कारोबार का जरिया बना के दीजिए, कहीं भी फुटपाथ पे खुद भी ठेला बंडी खुद भी ऐसा लगा के दो. जो लेडीज़ है उन्हें जो पकवान भी अच्छा कर सकते हैं ऐसा, उनको कैंटीन में ऐसा कहीं भी, या सिलाई की मशीनों का लिया करें, क्योंकि उन्हें हैंडीकैप है, इनको चलने नहीं आता, इनको समझ में नहीं आता, इन्हें दिमाग से कमज़ोर है, स्कूल में तक नहीं ले रहे मेरे बच्चों को. मेंटल है ये बच्चे का आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए मैं सरोजनी में 2 महीने से थी. तो बच्चा मेंटल है, इसको एक आँखी का करे, एक आँखी के लिए बोल रहे नहीं, उन्होंने दिमाग से कमजोर है, उनको लेके जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा के लाओ बोल के बोल रहे हैं. कहाँ कहाँ बोल के फिरेंगे मैं, राजिया लकड़ी का पुल भी आई कई बार मंडल ऑफिस भी गई, ये सब कामों के लिए गवर्नमेंट से होता है, गवर्नमेंट नहीं करी तो हम क्या करेंगे बोल रहे. तो गवर्नमेंट सो रही क्या, ऐसे लोगों को देखो ना, ऐसे लोगों के ऊपर नजर डालो, ऐसे लोगों के ऊपर तो करे तो मेहरबानी होती, दुआ लगती है. हम लोग बदुआ देते, अगर दुआ देते ना अच्छे काम करे तो आपका ही नाम होता, आप ही अगले सीट पर भी आप ही बैठो. लोगों की दो बच्चियाँ हैं, एक बच्चा है, इन लोगों के आसान है. अप्लाई करे? हाँ अप्लाई करे. तो मेरा नाम अफसल बेगम है, बच्चा नाम मोहम्मद अहमद है. तो हमारे घर के वास्ते होना है, किराया नहीं बन सक रहे, बहुत परेशान है. गवर्नमेंट से आपको बच्चे को पिंचिन आ रहा? पिंचिन आ रहा है. आपका नाम मोहम्मद अंसार है. ये कौन है? बच्चा बोले बड़ा भैया. अच्छा, पिंचन नहीं बन रहा, बुद्धि नहीं बन रहा, बच्चा का दौड़ाना इनका दिमागी हालत में है. दाखने सब की गवर्नमेंट जगह हो रहा है, गवर्नमेंट का काम. तो आप क्या क्या चाह रहे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से चाह रहे इनके पिंचन होना, इनको घर के लिए अप्लाई करे, घर भी नहीं मिल रहा है, घर नहीं है आप लोग. मैं सैयद अफरोज, प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना डिजेबल वेलफेयर सोसाइटी. आज धरना चौक पे तेलंगाना डिजेबल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से धरना किया गया है. धरना करने का मकसद जो ये है कि आसारा पेंशन जो है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से 3 साल से जो न्यू एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में है. बताया ये जा रहा है कि गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है,
गवर्नमेंट यहाँ वहाँ जो फालतू में खर्चा कर रही है, ये हैंडीकैप लोगों के लिए देखना ज़रूरी है कि कितने लोग परेशान हैं। डबल बेडरूम जो 5% रिजर्वेशन है, कितने डबल बेडरूम बने हुए हैं, वो हैंडीकैप लोगों को 5% रिजर्वेशन के साथ में देना चाहिए। और जो जिसको जॉब नहीं है उनको जॉब के लिए भी गवर्नमेंट देखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमारे डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगी तो हम ऐसे ही पूरे तेलंगाना स्टेट में धरना देते रहेंगे। मैं वाइस प्रेसिडेंट TDWS तेलंगाना रिजर्वेशन की तरफ से बात कर रहा हूँ। हमारी डिमांड गवर्नमेंट से थी आसरा पेंशन के लिए, डबल बेडरूम्स के लिए, और जो तो फ्री मेट्रो पास के लिए, और 5% रिजर्वेशन के लिए। रिजर्वेशन यानी कि हर चीज़ में हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैसे डबल बेडरूम का रिजर्वेशन पर डबल बेडरूम में रिजर्वेशन हमें मिलना चाहिए। और दूसरा, जितने सरकारी महकमे जात है, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में हमारा एक फिजिकल हैंडीकैप आदमी होना चाहिए रिजर्वेशन के तहत। गवर्नमेंट जब से आई है, जब से अब तक कोई ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसीज या गवर्नमेंट जॉब अभी तक रिलीज नहीं हुई। अब CM साहब से हमारा ये मुतालबा है कि आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जॉब्स रिलीज़ कीजिए। जो बेरोज़गार हमारे जो पढ़े लिखे डिजेबल भाई हैं, उनके लिए आप जॉब फराहम कीजिए। एवरी डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो जिसमें फिजिकल हैंडीकैप फिट हो सके। क्या चाह रहे हैं आप? इधर देखो, अप्लाई करें आप? अप्लाई करो, सब नहीं करा आप वो बता करो, तभी बता दो। नहीं नहीं ले जाएंगे सर, और 15 दिन हमेशा हिलाते हैं और भेज देते, सिर्फ आधार कार्ड नंबर लेते और मोबाइल नंबर लेते भेज देते। कई बार ऐसा जाके आ गए, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है वहाँ से। जब भी जाओ यही चीज़ रहती है वहाँ सर। नाम सही है, 3 साल से पेंशन भी आ रही है, उसके लिए अप्लाई करा हूँ, उसका भी आया है लेकिन अभी तक वो ही नहीं है। और मैं काफ़ी सारे चक्कर में काट रहा हूँ। हैंडीकैप्ट को उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, और UDID कार्ड भी हम तब तक नहीं आया। और मैं चाहता हूँ कि हैंडीकैप्स को जो है मेट्रो स्टेशन में हैंडीकैप शॉप दी जाए, ताकि हमारा गुजारा आसानी से हो सके और सबकी पेंशन जल्द से जल्द बंद हो जाए।